हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 6 जनवरी है तो 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का एक विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है वो लोगों को युद्ध अनाथों के द्वारा सामना की जाने वाली जो कठिनाई और दर्दनाक जो स्थिति है उनके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास से भूमि अधिकार योजना वो शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है इन्होंने टीकमगढ़ के जिले में जो बकपुरा पंचायत है वहां पर मुख्यमंत्री आवास से भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया। और मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट टाइम है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने चयनित जो हितग्राही है उनको आवास से भूमि के निःशुल्क पट्टे वो वितरित किए। और योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो 14 लाख लोग हैं इन 14 लाख लोगों के आवेदन पत्र वो प्राप्त हुए थे। और इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10,000 जो 500 हितग्राही है उनको 120 करोड़ रुपए के मूल्य के आवासीय भूखंड वो प्रदान किए गए हैं 120 करोड़ के। और योजना को पूरे प्रदेश में वो लागू किया जाएगा। अब जो ये योजना शुरू की गई है इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट योजना है वो और भी शुरू की गई है, जैसे कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रो मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी वो दी है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। और अमृत भारत स्टेशन योजना जो रेल मंत्रालय के द्वारा 1000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण वो इसमें किया जाएगा। और असम सरकार ने ओरुनोडोई 2.0 योजना वो शुरू की है। और अटल नवाचार मिशन और UNDP इंडिया इन्होंने युवा उद्यमियों के लिए 5वां यूथ को लैब वो लॉन्च किया है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना वो शुरू की है। और पीएम मोदी ने जो शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना वो शुरू की गई है। अब मध्य प्रदेश राज्य ये भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी भोपाल है जिसको आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश है तो एक क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश है वो 16 जिले अलग करके 36 राज्य की स्थापना वो की गई थी। और मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं वह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूबाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसको बैंक ऑफ सिंगापुर का जो CEO है वो नियुक्त किया है? तो आंसर है दोस्तों ये जेसन मुक को नियुक्त किया गया। जो ओवरसीज चाइनीज बैंक कॉरपोरेशन है ओ सी बी सी है इसकी निजी बैंकिंग शाखा के बैंक ऑफ सिंगापुर है, इन्होंने जो जेसम मू है इनको अपना नया CEO है वो नियुक्त किया है। और बैंक ऑफ जो सिंगापुर है उसकी घोषणा वो 26 दिसंबर 2022 को ब्लूमबर्ग के लेख के बाद आई है, जिसमें जेसन मू है वो 6 मार्च से आधिकारिक रूप से जो बहरेन शायरी है उनकी जगह है वो लेंगे। अब जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है उनके बारे में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहती है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वो नियुक्त किया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है इसमें CEO पद पर जो भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति वो की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त किया गया है। और संतोष कुमार यादव को NHI के अध्यक्ष और सुभाषिस पांडा DDA के VC नियुक्त हुए हैं। और गंजी कमला वी राव है ये FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और केंद्र है तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है इनका अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटी है वो अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बने हैं।
और आलोक सिंह को एयर इंडिया में कम लागत वाले ले जो एयरलाइन है उसका व्यवसाय का प्रमुख को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर वो कौन है? तो आंसर दोस्तों शिवा चौहान, जो कैप्टन शिवा चौहान है जो सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन चुकी है। और इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटल फील्ड है सियाचिन, इसमें पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की और कैप्टन शिवा चौहान है, इसके लिए ये सियाचिन बैटल स्कूल में एक महीने की हाई ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा इनको। और कैप्टन शिवा चौहान है वो राजस्थान की रहने वाली, और कैप्टन शिवा की जो पोस्टिंग है वो सियाचिन बैटल फील्ड के कुमार पोस्ट पर की गई है जो लगभग 15,632 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने जो दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी वो दर्ज की है? तो आंसर दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन जो इकोनॉमी है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CMIE और फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दिसंबर 2022 से इसमें भारत की बेरोजगारी दर वह 16 महीने के अंदर उच्चतम स्तर है जो अपने 8.3% पर पहुंच गई। और CMIE की रिपोर्ट के अनुसार ये वृद्धि वह आंशिक रूप से श्रम भागीदारी है उसमें दर में वृद्धि के कारण, और शहरी बेरोजगारी दर वो दिसंबर में बढ़कर अब 10.9% हो गई है जबकि ग्रामीण बेरोजगारी है वो 7.44% हो गई है। और ये जो 37.4% की पर है हरियाणा राज्य है, उन्होंने राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4 वो दर्ज की गई है। और इसके बाद देखें हरियाणा के बाद देखें तो राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी है और दिल्ली में है 20.8% की बेरोजगारी और बिहार में है 19.1 की और झारखंड में 18% की बेरोजगारी है बेरोजगारी वो दर्ज की गई है। अब हरियाणा है तो हरियाणा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से रहते हैं कि हरियाणा की स्थापना वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके की गई थी और भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित किया गया था और हरियाणा के कैथल नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के रूप में जाना जाता है। और ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा और ये हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पाहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म वो हरफूल सिंह जाट जुलानी है जो 1970 में प्रदर्शित की गई थी। और हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी है वो मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है उसको मनाई जाती है। अब हरियाणा राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और ये जो सीमाएं हैं वो पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान से जुड़ती है और यमुना नदी वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को परिभाषित वो करती है। और हरियाणा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22 और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1 नवंबर 1966 को और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और जो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख स्थान है वो हरियाणा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन वो किया है? तो आंसर दोस्तों नेपाल के द्वारा, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने जो पोखरा है इस पोखरा में चीनी सहायता में इससे जो निर्मित देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसकी सहयोग से एक प्रमुख परियोजना है जिसका निर्माण वो चीनी ऋण सहायता से किया गया है। नेपाल राज्य नेपाल है तो नेपाल दक्षिण एशिया एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हो, नेपाल के उत्तर में चीन है और तिब्बत है और इसकी जो पड़ोसी हैं जैसे भारत है पड़ोस है नेपाल का और नेपाल की जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है वो विद्या देवी भंडारी है और राजधानी है यहाँ की काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित जो मोहम्मद इरफान अली है वो किस देश से है, देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर दोस्तों गुयाना के,
जो गुयाना है उसके 9वें राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। अब ये 70वें जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है, इसके 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं ये, और वे इस बार इंदौर में होने वाले जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसके मुख्य अतिथि भी होंगे। और तो यूएस बेस्ड व्यवसायी दर्शन सिंह दालीवाल और डीएसबी ग्रुप के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता, वो भी 21 प्राप्तकर्ता हैं उनमें से इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने किस राज्य के 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की जम्बूरी का उद्घाटन वो करेगी? तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य के। जो राष्ट्रपति द्रौपदी है इन्होंने राजस्थान के पाली जिले के जो रोहट में जो 18वां नेशनल स्काउट है और गाइड जम्बूरी है उसकी शुरुआत वो की करेगी राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति है ये 2 दिन के दौरे पे जयपुर वो पहुंची थी, और राजस्थान है वो 66 वर्षों में पहली बार जम्बूरी की मेजबानी वो की है, और ये 7 दिवसीय मेगा इवेंट है जो पूरे देश भर में 35,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड को एक मंच पर है वो लाएगा। अब जम्बूरी है तो जम्बूरी की क्या थीम रखी गई है 2023 की? जम्बूरी 2023 की थीम रखी गई 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की थीम रखी गई है शांति के साथ प्रगति। अब जम्बूरी क्या होता है? तो जम्बूरी है वो 4 साल में एक बार विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है, और जम्बूरी स्काउट और गाइड को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का एक अवसर होता है, और युवा लोग वो अपने रीति रिवाज और खान पान की आदतें और हस्तशिल्प धार्मिक प्रथा और संस्कृति आदि को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और वे एक सप्ताह तक टेंट के नीचे रहते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। और 18वें जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी के लिए निम्बली गांव में करीब 3500 से अधिक टेंट वो लगाए गए हैं। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो, और इसकी एक सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, और इस सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर जिसे रेड क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों हांग जू जिन को नियुक्त किया गया। जो दक्षिणी कोरिया इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक, इन्होंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए जो प्रबंधक निदेशक के रूप में हांग जू जिन है, इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई है। और हांग जू जिन है वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया सहायक कंपनियों के प्रबंधक निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने टेस्ट शतकों में मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर है दोस्तों स्टीव स्मिथ ने। जो स्टीव स्मिथ है इन्होंने सबसे अधिक टेस्ट सेंचुरी के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज हैं सर डोनाल्ड ब्रैडमैन इनको भी पीछे छोड़ दिया, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में मैथ्यू हेडन के साथ संयुक्त रूप से 3rd नंबर पे पहुंच चुके हैं। और ब्रैडमैन के नाम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 29 शतक है सेंचुरी वो शामिल है दर्ज है। अब और स्टीव स्मिथ है वो भी आगे रिंग की पोन्टिंग और स्टीव वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश जो अपनी कोना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित गया है, जो यूरो जोन का 20वां सदस्य वो बन गया है? तो आंसर दोस्तों ये क्रोएशिया वो बन गया है। जो क्रोएशिया इन्होंने यूरोप पर स्विच किया और यूरोप की सीमा रहित जो क्षेत्र में प्रवेश किया, और बाल्कन राष्ट्र ने अपनी जो कोना मुद्रा को अलविदा किया है और यूरो जो जोन है उसका 20वां सदस्य बना है। और अब ये पासपोर्ट है वो मुक्त सेगन क्षेत्र का जो 27वां देश है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज है वो कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि आरबीआई के द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टम मेटिकली जो इंपोर्टेंस बैंक की लिस्ट में कौन सी बैंक वो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
पीएनबी जो आरबी है इन्होंने डोमेस्टिकली सिस्टमिकली जो इम्पोर्टेंट बैंक है इस 2021 की लिस्ट जारी की और इसमें भारतीय तीन महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल किया गया है जिसमें कौन कौन सी बैंक शामिल है तो इसमें एसबीआई है आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंकों को तो शामिल किया है और पीएनबीएन को शामिल और नहीं किया। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।